नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 12th of April है और फ्राइडे का दिन है और आज सातवां नवरात्र है, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सातवें नवरात्रि वाले दिन हम माँ कालरात्रि की उपासना करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। और अगर इनके स्वरूप की बात की जाए तो माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की माला है। इनका रंग जो है वो अंधकार की तरह काला है। ऐसा कहा जाता है कि माँ असुरों का विनाश करती हैं और कहीं ना कहीं पे ये जो लहू है उसको पीती हैं। तो देखिए, माँ का जो स्वरूप की हम बात करें तो इनका स्वरूप बहुत ही ज़्यादा भयानक है और कहा जाता है कि इनकी पूजा उपासना से जो दुष्ट हैं वो कहीं ना कहीं पे उनका संहार ये करती हैं। तो एक तरह से इनकी पूजा उपासना से आपके जो राइवल्स हैं, आपके दुश्मन हैं, शत्रु हैं, उनका नाश होता है। तो कहीं ना कहीं पे जिनके अंदर जो फियर होता है या इनके अननेसेसरी जो राइवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और गुप्त शत्रु जिनके होते हैं उनके लिए अच्छा रहता है कि वो अगर माँ कालरात्रि की उपासना करें। तो आज आपको बताऊंगी कि खास उपाय क्या कर सकते हैं, साथ ही में जानेंगे कि आज का दिन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशियों के साथ। एरीज के लिए कार्ड निकल रहे हैं 5 of Cups एंड द सेकंड कार्ड इज एस ऑफ वॉन्स। तो आज जो सरकारी नौकरी से कोई ना कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, सरकारी पक्ष से जुड़े हुए जो कार्य हैं आपके वो पूरे हो सकते हैं। जो पहले समय में जो सिचुएशन चल रही थी वो रिजॉल्व आउट हो गई है, इसलिए अब आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी नए कार्य में आप पार्टिसिपेशन जो है अपना कर सकते हैं। नई एक तरह से कोई भी इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है और जो भी कार्य करेंगे उसे कोशिश कीजिएगा आप अपने फैमिली के साथ पहले उसे डिस्कस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आज के दिन में पर्सन फ्रंट पे हो सकती हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। तो आज के दिन में आपको बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना है और आज के दिन में माँ कालरात्रि को नारियल का भोग आपको लगाना है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं टॉरेंट्स की। द डेवल एंड नाइट ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। और साथ ही अगर बात करी जाए आज के दिन की शुरुआत की, तो कोई एक डिसीजन मेकिंग से आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे आप दिन में आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होती चली जाएंगी। साथ ही में लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपके अगर बात करें प्रोफेशनल फ्रंट पे, तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके कामकाज का या आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा इमोशंस में आकर के, इमोशंस में बह करके कोई डिसीजन लेना अच्छा नहीं है। आप अपनी चीज़ों को क्लियर आउट रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें उपाय की, तो आज फ्राइडे का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन भी है आज। तो आज माँ लक्ष्मी को लौंग आपको अर्पित करनी है, लौंग का जोड़ा। कर लेते हैं जेमिनाइज की। 5 of Swords एंड द एम्प्रेस कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। तो जेमिनाइज के लिए आज बहुत फर्म डिसीजंस आप लोग लेने वाले हैं। हालांकि ट्रैवलिंग इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आज कई सारी रहेंगी। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि दिन अच्छा है और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो आपके लिए भी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। ओवरऑल आप लोगों के लिए सब चीज़ें बेहतर रहेंगी। छोटा सा उपाय, आज किसी भी खाने की चीज़ का दान करना मंदिर में जाकर के आपके लिए अच्छा रहेगा और कोशिश कीजिएगा कि सफेद चीज़ों का आप लोग दान करें। कर्क राशि 8 of Cups एंड द टार कार्ड निकल रहा है। तो बहुत ज़्यादा अगर ऊंचाई तक आप पहुंच चुके हैं तो वहाँ पर आप कोई रिस्क ले लेना बहुत अच्छा एक डिसीजन नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। तो इस समय पर कहीं ना कहीं पे बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। इस समय पर कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जिसमें कि आपको रिस्क लेना पड़े। आप अगर पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आज आपके दिन में अपनी छवि को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने पड़ सकते हैं। साथ ही में जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो चीज़ों को बेहतर करने के लिए आज मेहनत आप लोगों को ज़्यादा करनी पड़ेगी। साथ ही में गैम्बलिंग में या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आज के दिन में अच्छा नहीं रहेगा। व्हीकल में भी इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं है। उपाय क्या करेंगे, तो कर्क राशि वाले लोग जो है आज के दिन में जब चंद्रमा उदय होगा उस समय पर उसे अर्घ देंगे चांदी के पात्र से। अगर चांदी का पात्र नहीं है तो स्टील के पात्र का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। लियोस के लिए कार्ड निकलते हैं 6 of Cups एंड 5 of Wands। तो आज थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में। तो आज कोशिश कीजिए एक अनहेल्दी सिचुएशन जो है उससे निकलने के लिए थोड़े से इनिशिएटिव्स आप लें और थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ सकते हैं। अगर बात करें हम आपके लिए प्रोफेशनल फ्रंट की, तो आज के दिन में कलीग्स आपका साथ देंगे, सीनियर्स में भी आपके लिए काफ़ी हद तक सपोर्टिव रहेंगे। एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन सकते हैं किसी पार्टी में, किसी ओकेजन में, क्योंकि सोशल गैदरिंग्स में आज काफ़ी हद तक आप एक तरह से आप मिलते जुलते हुए नज़र आ रहे हैं। उपाय की बात करी जाए, तो आज के दिन में लाल रंग का इस्तेमाल आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर कुछ साथ में नहीं रख सकते तो रेड कलर का पेन ही अपने साथ ज़रूर रखिए। आप लोगों के लिए लिखने के लिए आप रेड कलर के पेन का इस्तेमाल करें।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब वर्गोस की। कार्ड निकल रहे हैं आप लोगों के लिए, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंडमैन। थोड़ा सा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है वर्गोस के लिए, मे बी जो कार्य अधूरा रह गया था उसको पूरा करने के लिए आज थोड़ा बहुत चिंतित रह सकते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स दैट मीन्स कि आज के दिन में प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करने के लिए जितनी एफर्ट्स आपने करी हैं उसके धीरे धीरे करके रिजल्ट्स अब मिलना शुरू हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से आज थोड़ी बहुत हैप्पीनेस भी रहेगी, लेकिन टेंशंस और स्ट्रेस जो है आपके फाइनेंशियल पार्ट की वजह से ज़्यादा रहेगी। पर्सनल फ्रंट की बात करी जाए तो आज मदर फादर को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताएँ बढ़ सकती हैं, तो कुल मिलाकर के आपके लिए दिन जो है वो मिक्स रिजल्ट्स वाला रहेगा। उपाय की बात की जाए तो आज के दिन में आप लोगों को करना क्या है, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट से रिलेटेड कुछ भी वहाँ पर रखना है, चाहे तो एक पात्र में जल भर करके रख दीजिए, अगर आप कोई सीनरी लगाना चाहते हैं तो वाटर एलिमेंट से जुड़ी हुई कोई सीनरी लगा सकते हैं, वहाँ पर कोई फाउंटेन वाली सीनरी लगा सकते हैं। ऐसे होगा क्या, आपके घर में जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी, साथ ही में घर में जो फाइनेंशियल पार्ट है वो बेहतर होगा। बात करते हैं लिब्रंस की और कार्ड निकलते हैं आप लोगों के लिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड टेन ऑफ सॉर्ड्स। तो आप लोगों के लिए आज चीज़ें काफ़ी हद तक स्टेबलाइज रहेंगी, लेकिन आपको अपने आप से पॉजिटिव रहना है, क्योंकि दूसरे लोगों से जितनी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं मे बी आज वो आपकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे, तो उसकी वजह से डिप्रेस मत होइए, कोशिश कीजिए, डिसाइड टू बी हैप्पी टुडे, और जितना हो सके नई चीज़ों की शुरुआत करने का प्रयास कीजिए, बिकॉज आज के दिन में तुला राशि वाले लोगों के सामने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं जिससे कि उनको आगे बढ़ने के मौके ज़रूर मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि दिन काफ़ी अच्छा रहेगा, और जो लोग लॉ फर्म से, इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए करियर एडवाइसेस दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ उपाय क्या करना है, तुला राशि वाले जो लोग हैं आज घर में गूगल की धुनी ज़रूर देंगे, नेगेटिव पार्ट खत्म होगा। स्कॉर्पियोज़ के लिए फाइव ऑफ पेंटाकल्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दीजिए, बिकॉज ये टाइम है कि आप आगे बढ़ें, नई चीज़ों के लिए तैयारी शुरू कर दें। आप इनिशियली जो है आज के दिन में प्लानिंग ज़रूर करके चलिए, बिकॉज प्री प्लानिंग इज़ वेरी मच नेसेसरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उसके बाद ही इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो बेहतर रहेगा। आज अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालेंगे, बिकॉज स्कॉर्पियो जो है काफ़ी समय से जो आपके लिए बहुत हेक्टिक शेड्यूल्स चल रहे थे, आज के दिन में कुछ समय लेकर के मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। उपाय आपके लिए यही रहेगा आज संध्या काल के समय या फिर रात्रि के समय, क्योंकि नवरात्रि में हमेशा रात्रि का महत्व ज़्यादा होता है, रात्रि के समय आप मंत्र उच्चारण करते हैं उसका महत्व ज़्यादा होता है, तो आज के दिन में रात्रि के समय ही आप ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे या फिर माँ लक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण भी आप कर सकते हैं, श्री ओम श्री नमः। आगे बढ़ते हैं सैजिटेरियंस की बात कर लेते हैं, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकल रहा है। कुल मिलाकर आपके लिए अगर बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, तो प्रोफेशनली स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, चीज़ों के लिए नई ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन पर्सनल फ्रंट पे आपके लिए थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं, बिकॉज सैजिटेरियंस जो है जितनी उम्मीदें आप रख रहे हैं अपने लव्ड वन से मे बी उतनी एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसी के साथ साथ अपने घर में छोटे बच्चे जो हैं उनको थोड़ा सा आप केयरफुल रहिए उनके स्वास्थ्य को लेकर के, साथ ही में किसी नए फैमिली मेम्बर को आने का एक तरह से वेलकमिंग दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही साथ में आपके लिए फाइनेंशियल मैटर्स को ध्यान में रखना भी ज़रूरी है, अपने आप के जो खर्चे हैं एक्सपेंसेस को कट डाउन करना भी आज के दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। सैजिटेरियंस के लिए उपाय रहेगा ब्लैक कलर्स का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि जितना डिप्रेशन या जितनी एंग्जाइटी आपको लोगों के जो आपका एक्सपेक्टेशंस है वो नहीं पूरी हो पा रही है उसकी वजह से बढ़ रही है, या ब्लैक कलर या ब्लू कलर्स वो एंग्जाइटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो आज ज़रूरी है ऑफ वाइट कलर्स का या फिर लाइटर शेड्स का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं मकर राशि, पेज ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है, पार्टनरशिप इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। पार्टनरशिप में कोई भी काम करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, अपनी ड्रीम्स को आज फॉलो ज़रूर करेंगे, साथ ही में आप करियर एडवाइसेस जिनसे ले रहे हैं उस पर एक सेकंड थॉट ज़रूर दीजिए कि वो कहीं ना कहीं पर आपको कोई गलत मार्गदर्शन तो नहीं कर रहे हैं, तो जिन लोगों के ऊपर आप अच्छी तरह से ट्रस्ट करते हैं उन लोगों को लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अपनी मदर फादर की स्वास्थ्य का आज थोड़ा सा ध्यान देंगे, और ख़ासतौर पर मदर की हेल्थ जो है वो थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, तो उनके लिए जो मेडिकेशन यूज़ की जा रही हैं उसको घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए, और उनसे कहिए कि उनका जो सर है वो टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन में करके सोएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आप लोगों के लिए प्रोफेशनली, तो प्रोफेशनली काफ़ी ज़्यादा साउंड रहेंगे, बाकी कॉम्पिटिशन आज काफ़ी ज़्यादा रहेगा मकर राशि वाले लोगों के लिए। इसी के साथ उपाय क्या करना है, तो आज के दिन में माँ लक्ष्मी का दिन है, माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप कर लेना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, या तो आप बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, साथ ही में आज श्री यंत्र की स्थापना करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा करने से आप देखेंगे आप लोगों के घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और फाइनेंशियली भी आप लोग स्टेबल हो जाएंगे।
कुंभ राशि, सेवन ऑफ कप्स एंड द होमेट कार्ड निकल रहा है। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, आज आप लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। इसी के साथ साथ कॉन्फिडेंस को मेंटेन करें, क्योंकि आज के दिन में आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें सही होते होते भी गलत हो सकती हैं। तो ज़रूरी है उस कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखिए। दूसरों की बातों पर इतना नहीं आना है कि आप अपने ही काम को ख़राब कर लें। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, साथ ही में जो खुद का कारोबार करते हैं या फिर इम्पोर्ट स्पॉट का कोई काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, तो आज लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और आज के दिन में माँ कालरात्रि को कोशिश करेंगे कि उनकी उपासना ज़रूर करेंगे, साथ ही में किसी भी मंदिर में जाकर के तिल का दान ज़रूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाइसेंस की। द डेथ कार्ड एंड सेवन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। तो आज आप सोशल वर्क में ज़्यादा विश्वास करेंगे, कहीं ना कहीं पे अपने लिए टाइम थोड़ा सा कम निकाल पाएंगे, लेकिन एक एनर्जी हीलिंग जो वर्क है वो करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। साथ ही में दूसरे लोगों की मदद करते करते आपका स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, तो इसके लिए ज़रूरी है आज स्वास्थ्य को, यानी कि हेल्थ इशूज़ को निगलेक्ट न करें तो बेहतर है। शाम का समय ट्रैवलिंग में दिखाई दे रहा है, और ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा कोई भी व्हीकल ड्राइव करते वक्त या फिर किसी मशीनरी के प्रयोग में थोड़ा सा सावधान रहिए। उपाय की बात करी जाए तो आज भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करना लाभकारी रहेगा, साथ ही में कोशिश करेंगे उन्हें मखाने की खीर ज़रूर अर्पित करेंगे। चलिए इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, और कल अष्टमी तिथि है, यानी कि कल महागौरी की उपासना की जाएगी, और कल मैं आपको बताऊंगी कि अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करने का क्या लाभ आपको मिलता है। तो इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ।